अयुब अध्याय 4 एलीपज का तर्क। तब तेमानी एलीपज ने कहा, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना कौन रह सकता है? सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुए को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है, या कहीं सज्जन भी काट डाले गए? मेरे देखने में तो जो पाप को जोते दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वे परमेश्वर की श्वास से नष्ट होते और उसके क्रोध के झोंकों से भस्म होते हैं। सिंह का गर्जना और हिंसक सिंह का दहाड़ना बंद हो जाता है और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं। शिकार न पाकर बलवान सिंह भी मर जाता है और सिंहनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भनक मेरे कानों में पड़ी। रात के सपनों की चिंता के बीच जब मनुष्य गहरी निंद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कंपकंपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोएं खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान न सका। परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छा रहा, फिर मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा। क्या नाशमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता है। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिसकी नींव मिट्टी में डाली गई है और जो पतंगे के समान पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना? वे भोर से शाम तक नष्ट किए जाते हैं, वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता। यदि उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर कट जाती तो क्या वे बिना बुद्धि के ही मर न जाते? थैंक यू।